खबर सीजी न्यूज में आपका स्वागत है। जांजगीर चांपा के सख्ती में 3 दिवसीय 21वीं राज्य स्तरीय सीनियर महिला पुरुष कबड्डी स्पर्धा सोमवार से शुरू हुई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने शुभारंभ किया। इस दौरान चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव भी मौजूद थे। यहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत ने खिलाड़ियों को खेल की बेहतर सुविधा देने, मैट के लिए अपनी निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। डॉक्टर महंत ने कहा कि कबड्डी पारंपरिक खेल है, इस खेल का महत्व है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा में 22 जिलों के पुरुष और महिला टीम के 400 से अधिक खिलाड़ी कोच शामिल हुए हैं। इस मौके पर जिला कबड्डी संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। हम लोग के जांजगीर की टीम यहाँ उपस्थित है और हम लोग आज यहाँ मेजबान टीम है और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि आज हमारे इस नवनिर्मित शक्ति जिला जांजगीर चांपा में आज हमारी कबड्डी चैंपियनशिप हो रही है और यहाँ हर जिला से खिलाड़ी गर्ल्स एवं बॉयज़ की टीम आई हुई है। वो लोग भी यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अच्छे से जोश जुनून और एकदम कूल माइंड से खेल के वो यहाँ से अपनी नेशनल की तैयारी करना चाहते हैं सर। और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि आज हमारे इस छत्तीसगढ़ में मतलब ये मैच आयोजन हुए हैं। पहले तो सभी को प्लेयर को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी मैं, और हम दुर्ग जिले से आए हैं सर। कबड्डी एक पारंपरिक खेल है जो काफ़ी प्राचीन काल से खेला जा रहा है और इसके लिए काफ़ी दिनों से प्लेयर तैयारी कर रहे हैं और खेलने के लिए भी क्या बोलते हैं, इसका मेहनत लगेगा और मेहनत के साथ साथ इनका दिन भी जो है मेहनत के ही साथ जाएगा, ऐसा है सर जी। आपको शक्ति आए जी, प्रदेश स्तरीय आयोजन काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है सर खेलने के लिए जी, शक्ति में आके किस तरह की तैयारी है अभी खेल के लिए? अभी खेल के लिए हम नहीं बताएंगे सर, वो आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि सभी बच्चे तैयारी करके आए हैं। तो मैं अपनी ही टीम को नहीं बोलूँगी, सभी टीम के लिए बोलूँगी, सभी टीम उस तरह से तैयार होकर आए हैं सर, तो मैं अपनी ही टीम को पर्सनल नहीं बोलना चाहती है सर। और यहाँ पहली बार आयोजन हो रहा है, बहुत अच्छा। मैं अध्यक्ष माननीय राम कुमार सीनियर नेशनल के लिए अभी स्टेट किया जा रहा है। आपसे आग्रह करूँगा आपके यहाँ इस खेल में तो डिफेंडर का भी रहता है और रेडर का भी, दोनों का इम्पोर्टेंट है। खेल का शुभारंभ होना है। जिला कबड्डी संघ की ओर से 21वीं राज्य सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का मेजबानी कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कबड्डी संघ ने यह मेजबानी का दायित्व हमारे जिला कबड्डी संघ जांजगीर चांपा को सौंपा है। शक्ति नगर में 18 और 20 जिले से लड़के और लड़की आए हुए हैं जो यहां से प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय खेल के लिए हरियाणा जाएंगे। हम उनको हार्दिक शुभकामना देते हैं और हम भरसक प्रयास करेंगे कि उनकी व्यवस्था और उनके रहने, आवास, भोजन सभी में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। सफलतम ऊँचाई देने के लिए जिला कबड्डी संघ जांजगीर चांपा प्रतिबद्ध है और इसमें हम सफल हो रहे हैं। ये 22 जिले के लड़कों की टीम आई है, 18 जिले के लड़कियों की टीम यहाँ शामिल हो रहा है। इससे छत्तीसगढ़ के लिए एक टीम का गठन किया जाएगा जो नेशनल खेलने के लिए हरियाणा जिंद में शामिल होगा, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह से आप लोगों की तैयारी पूरे आयोजन की? हमारे आयोजन की तैयारी तो पूर्ण हो गई, अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा आयोजन सफल रहे। वैसे खेल तो छत्तीसगढ़ में, भारत में हमारे बहुत पुराना एक खेल, कई प्रकार के होते, कबड्डी होते है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, गिल्ली डंडा है, सब प्रकार के खेल है। पर जो ऐसे बहुत सारा खेल है जो हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति से भी लगे रहते है, जैसे कि यहाँ के जो कबड्डी है, हमन के जो तीज त्यौहार है, चाहे हरेली त्यौहार हो, गेड़ी त्यौहार हो, ये हमन के भोजली हो, ये तमाम प्रकार के जो खेल है और ये हमन के जीवन के जो ये जो परंपरा है, सब जुड़े एक दूसरे के पूरा के। तो जिस प्रकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हमन के तीज त्यौहार ला, हमन के जो आगे बढ़ावा थे, हमन के छत्तीसगढ़ी बोली ला, संस्कृति ला आगे बढ़ा थे, उसी प्रकार के आज हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी हैं चरणदास महंत जी, और विधानसभा में आज पूरे प्रदेश के एक प्रकार के कबड्डी के महाकुंभ होते, यहाँ सब इकट्ठा हो है। मैं कबड्डी जो प्लेयर है वो मतलब मोर तरफ से शुभकामना है और आशीर्वाद है कि आज आप मन जो छत्तीसगढ़ के बस्तर से, सरगुजा से लेकर के रायगढ़ से, राजनांदगांव के जो टीम यहाँ पर उपस्थित हो है, अपन हुनर ल दिखाए और यही लड़का मन जब कबड्डी होते प्रो कबड्डी,
तो वो मन जा करके बम्बई में कलकत्ता में कहीं भी खेला थे तो अपन प्रदेश के अपन जिला के नाम रोशन करे और छत्तीसगढ़ ही जो संस्कृति है जो कबड्डी हमन के जो पुराना खेल है वो आगे बढ़ाए के लिए जो काम करते थे कहले बहुत बहुत धन्यवाद दिया मैं सरकार ला हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महाजिला कि शक्ति जिला बना और शक्ति में कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है और हमारे ज़िले के सभी प्रदेश के सभी ज़िले से बच्चे आए हैं और हम लोगों को ये विश्वास है कि शक्ति में खेलने के बाद उनको अपार शक्ति प्राप्त होगी बेहतर से बेहतर खिलाड़ी बनेंगे और बहुत जल्दी इनमें से कोई बच्चा हमारे प्रो कबड्डी में भी खेलते हुए दिखेगा ये हम लोगों की कामना है इच्छा है और हम लोगों ने यही आशीर्वाद दिया है। अब बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ के हमारे और बच्चे खेलेंगे उसके लिए मैंने 5 लाख रुपए की घोषणा की है जो अपने मत से दे रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट खबर सिटी न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि आप Facebook यूजर है तो तेज अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। Twitter और Instagram में भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। पोर्टल पर हमारी खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.khabarcgnews.com।